हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम। वेलकम आपका मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बॉलीवुड की एक बहुत ही अच्छी मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था भोला। लोगों की फिल्म बहुत ही अच्छी लगी, स्टोरी लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी, क्रिटिक्स ने हर जगह से दोस्तों इस फिल्म को बहुत ही अच्छा प्यार मिला। उसके बावजूद दोस्तों, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर जो करिश्मा दिखाना चाहती थी ना, वो उसका दोस्तों ऐसा नहीं हो सका। जब ये मूवी एडवांस बुकिंग चालू थी तब लोग दोस्तों बहुत ज़्यादा कहते थे, हाइप करते अजय देवगन सर की अभी कहें कि बहुत ज़्यादा बेस्ट मूवी बन जाएगी, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हो सका। ये मूवी धीरे 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 गिरती गई। दोस्तों इस मूवी को आज रिलीज हुए 10वां दिन है, 9 दिनों तक दोस्तों इस मूवी ने जितने करोड़ का कारोबार किया है, मैं आपको ऑफिशियल फिगर बता रहा हूँ दोस्तों। कई लोग आपको ये बताएंगे कि इस मूवी ने अभी तक 200 करोड़ कमा दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस मूवी ने अभी तक, यानी जब मूवी का 8वां दिन हुआ था ना, तब इसका मूवी टोटल कलेक्शन आया था दोस्तों 59 करोड़ रुपीज़ का 8 दिन के अंदर। कल शुक्रवार था जिसके लिए ऑफिशियल रिपोर्ट दोस्तों आज सुबह आ गई कि भाई कल इसने कितने करोड़ का कारोबार किया है। दोस्तों कल इस मूवी का कारोबार था सिर्फ 3 करोड़ का, अगर जोड़ दूँ मैं 9 दिनों का कलेक्शन तो दोस्तों बनता है 62 करोड़ रुपीज़ और कुछ लाख रुपए, यानी 62 करोड़ लमसम 30 या 35 लाख रुपए बनता टोटली, मतलब 9 दिनों का कलेक्शन। ग्रोस की बात करूँ दोस्तों, ये मूवी ने 73 करोड़ रुपीज़ इंडिया में ग्रोस कर लिया। वर्ल्ड वाइड दोस्तों बात करूँ तो ये मूवी 75 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड वाइड, यानी पूरी दुनिया भर के अंदर ये मूवी 75 करोड़ रुपये कारोबार कर चुकी है। देखो सिर्फ 2 दिन और हैं, आज शनिवार और कल संडे। अगर ये मूवी 4 से 5 करोड़ रुपए का अगर ये बिजनेस करती है इन 2 दिनों के अंदर, 5 करोड़ रुपए आज, 5 से 6 करोड़ रुपए कल, तो दोस्तों ये मूवी कहीं ना कहीं अपना जो फिगर है 80 से 85 करोड़ रुपए का इंडिया कलेक्शन का टैग अपने हासिल कर पाएगी। वरना दोस्तों ये मूवी बहुत ही बड़ी फ्लॉप हो सकती है, अभी तक की दोस्तों यही रिपोर्ट्स कह रही हैं। हो सकता है अजय देवगन सर के फैंस ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस मूवी को थिएटर के लिए अपने फ्रेंड्स है उनको बोलिए कि मूवी थिएटर जाकर देखें। ये फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी भी है, 3D के अंदर बनाई गई है, इसका विजुअल इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा और कहानी भी सुपर है। वरना दोस्तों ये मूवी तो मेरे को लगता है 80 करोड़ रुपये भी नहीं कमा पाएगी, ये ऐसा के साथ हो सकता है। तो दोस्तों जैसी अपडेट मिली आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दी, अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना।